अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हमने एक कप ऑयल लिया और छोटी प्याज लेके उसको काट के तो उसको ब्राउन करना है। एक किलो दही लिया हमने और उसमें ये तीन बड़े चम्मच डोंगे वाले बेसन के डाल दिए और मैंने से उसको फेंट लिया है। अब हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का डाला है उसमें और उसको अच्छी तरह भून लिया है और 2 टीस्पून हमने मिर्चों के डाले और 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है और बेसन फिर हमने उस मसाले में डाल देना और उसको अच्छी तरह चलाना है। अच्छी तरह उसको चला देना और चूल्हे का फ्लेम लो पे रखना है, ज़्यादा हाई ना। 1 टेबल स्पून हमने अजवाइन डाल देनी है उसके अंदर, अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इधर दूसरी तरफ पकौड़ा का सामान तैयार कर रहे हैं। हमने पालक काटी और हरी मिर्चें, आलू, प्याज और हमने बेसन ऐड किया है उसमें और लाल मिर्चें 1 चम्मच, 1.5 टीस्पून नमक डाला है। ये पकौड़ों का सामान हम तैयार करने लगे हैं। 1 टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। ये उधर हमारी कढ़ी भी तैयार हो रही है, साथ के साथ कढ़ी को भी देखना है हमने, उसको अच्छी तरह चलाना है ताकि नीचे ना लगे कढ़ी। पहले हमने नमक ऐड नहीं किया था, अब हमने इसमें नमक ऐड करना है 1 टीस्पून। ये जो हमने सारा सामान डाल लिया उसमें, अब हमने सूखा धनिया लेना है 1 टेबल स्पून, उसको अच्छी तरह थोड़ा सा कूट लेना और वो डाल देना। और अनारदाना हमने लिया है और वो हमने कूट के तो उसके अंदर ऐड कर दिया बेसन के अंदर। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो अच्छी तरह इसको देखें मिक्स कर लिया हम लोगों ने। 1 किलो हमने ऑयल लिया और उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया और उसमें हमने जो बेसन बनाया था खोला था उसको हम अब उसमें पकौड़े डालने लगे हैं। ये देखें तैयार हो गए हैं पकौड़े। ये इनको ज़रा प्रेस करना है ताकि ना क्रिस्पी बने पकौड़े। इनको प्रेस करेंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे, बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं प्रेस करने से। ये देखें हमारे पकौड़े रेडी हैं, हमारी कढ़ी भी साथ के साथ रेडी हो रही है। अब हमारी कढ़ी तैयार होने लगी है और हमने इसमें भंगार लगाना है। भंगार के लिए हमने लेना है कड़ी पत्ता, 6 लौंगे, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा और दालचीनी, इसका हमने भंगार लगाना है। अब हमने कड़ी में भंगार लगा लिया है और हमने 1 टीस्पून पिसा हुआ गर्म मसाला डालना है और 1 टीस्पून हमने पिसी हुई काली मिर्चें डालनी है। उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है और चलाना नहीं है। हमारी कढ़ी रेडी हो गई है, हमने कढ़ी डिश आउट कर ली है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।